हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त इंजीनियर हर्षित त्रिवेदी, चीफ प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल की सीरीज में आज आपसे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। दोस्तों, कल हम लोगों ने टेस्ट लैंप और मेगर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया। आज हम लोग मल्टीमीटर, टोन टेस्टर और अर्थ टेस्टर के बारे में आपसे बात करेंगे। जब मल्टीमीटर नहीं था तब इंजीनियर्स लोग अलग अलग मीटर्स जैसे कि ए मीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस मीटर, उस तरह से अलग अलग मीटर लेके इक्विपमेंट को टेस्ट करते थे। आप लोगों ने भी कॉलेज के टाइम उसी तरह से मेजर किया है। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में काम करने जाते हैं और उस वक्त ए मीटर, वोल्ट मीटर या दूसरे इक्विपमेंट लेके जाते हैं तो आप लोगों को इनकन्वीनियंट और टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ही मल्टीमीटर यूटिलाइज होता है। आज से 30-40 साल पहले जब इस तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे तब वो लोग बाय साउंड, बाय टेम्परेचर, बाय नॉइस, बाय हमिंग, बाय कलर्स ऑन सरफेस दे वेर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स इनटू द इक्विपमेंट्स। दोस्तों, जब आप लोग हैंड्स ऑन वर्क प्रोग्राम करने आएंगे तब आपको सोइल रेजिस्टिविटी क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस क्या है, मैटर्स ऑफ अर्थिंग कितने हैं, अर्थिंग मेजरमेंट कैसे किया जाता है और की डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या है, यह सब चीजें डिटेल्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यह पांचों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस के दौरान बहुत काम में आते हैं, इसीलिए आपको इसका ऑपरेशन सीखना बहुत जरूरी है। आपकी इजाजत लेते हुए आपका दोस्त इंजीनियर हर्षित त्रिवेदी, धैर्य से सुनने के लिए आपका काफी शुक्रगुजार हूँ और कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ स्किल इंडिया मुहिम के तहत नए विचार के साथ फिर से आपको मिलूंगा। तब तक आप क्यूरियोसिटी के साथ आज का डिस्कशन का मंथन करिए और आखिर में प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नियर बाय एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।